प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ और एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। दोपहर के 2:45 चल रही है कुकिंग एज यूजुअल। और आज मैं क्या बना रही हूँ पता है? पॉम्फ्रेट फिश। बहुत दिन बाद खा रही हूँ यार, मतलब बहुत दिन पहले बनाई थी। और आज साकिब कल रात को लेके आया, देखो ना साइज। यहाँ पे फ्राई चल रही है, ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पोस्ते और देखो ये ना टूट जाता है, इतना नरम फिश है ना, इसको बहुत कायदा से फ्राई करना पड़ता है। चलो फ्राई कर लेते, नहीं तो टूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। यही बस टूटा है, बाकी सब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ना पोस्तो, एक ऐसा पैकेट पूरा पोस्तो लिया है, मतलब पॉपी सीड्स, उसमें ये सरसों ब्लैक कलर का दिया है थोड़ा सा, एक चम्मच, और एक चम्मच सादा सरसों। तो ये पूरा पेस्ट, और इसके साथ एक मिर्ची पेस्ट किया है। अब इसे इसमें ऐड कर देंगे। ऑनियन मैं देखे नहीं बनाऊंगी, इससे ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें मसाला जाएगा, बस एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा ही देना है, क्योंकि सरसों का टेस्ट अलग रहता है। हल्का सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसमें आप रेड मिर्च नहीं यूज करें, इसमें ग्रीन चिली और भी मुझे देना है, एक निकाली थी तो ये देना है। देखो कांड हुआ, नया 90 में ये तेल पूरा 90 हो, इस पर 90 पहन पहन के ऐसा हालत, नाइट ड्रेस में पूरा उड़ के आ गया फ्राई करते टाइम। इसे अच्छे से कुक करेंगे और टेस्ट चेक कर लेगा। आपको जितना मिर्चा देना है दे सकते हो, जैसा तीखा आपको चाहिए, बस और कुछ नहीं है। इसको अच्छे से ऑयल वॉयल निकल जाए मुझे नालिश करने आई है कि उसका पापा उसको के बोकेचे, तुम्हारे आमा के बोलो तो के बोकेचे आयु आगे देखाओ के बोकेचे। ए तुम्हें बोगले का नगो राय राय आबार बोकचे राय राय जा कोता सोने ना काली रायु के बो केनो बोकचो गो तो सुंदर मेटा के तो अभी मतलब झूठ झूठ बोल रही है। दिनों से जब से तो थोड़ा तबियत ये हुआ है ना, मतलब मम्मी पागल है, वो कुछ भी हो रहा है मम्मा बस नाली से ना मैं और ना मैं मम्मी अभी मम्मी जो के उसका कोई कुछ है ही नहीं। बाबा ऐसो आज बाबा जी ओ बाबा जी देखो तो रायुर को तो विंटर जामा बार करे से। देखो घूमने जाने के लिए पहले ये सब निकाल के देख रहे हैं कि होगा कि नहीं, ये सब धोना पड़ेगा, पहना के दिखाना पड़ेगा। उसके पापा को पहना के नहीं दिखा, देख रही है, देखने ही नहीं दे रही है, बाहर बीतती पोच। अभी हर बात में उसका एक मतलब 1 week हो गया उसको शैम्पू ही नहीं करा पाए, मतलब पानी ही नहीं दे पा रहे हेयर में, इतना वेदर खराब है। देखो वेदर का हालत, बस मतलब इतना खराब वेदर है, और क्या एक आ रहा है डाना बोल के कुछ, उसके लिए ऐसा वेदर हो गया। बारिश एक दफा हो गया सुबह से, 2-3 दफा हो गया। तो सरसों में थोड़ा सा उबाल आ गया था, मतलब तेल निकल गया था, तो फिश ऐड कर दिए और थोड़े देर ढक के कुक करेंगे। ये रेडी मैं तब से बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, वो पहननी नहीं वाली है। रायो नहीं देखने से कैसे पता चलेगा बताओ। राय हर बात में जा 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 तो टूपी रे भाई ये घेटो ना দেখো হাতটা আরে খুলে দেব পাপা এই রায় 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 দেখো কেঁদে কেঁদে কি অবস্থা,
आज माँ लेके आई है ये गोभी आलू की सब्जी और ये दाल है, दाल नहीं खाएंगे क्योंकि इसके साथ ही अच्छा लगे। ऐसा हुआ है बहुत ही मतलब सादा टेस्ट हुआ है, अच्छा लग रहा है बहुत बहुत ज्यादा। क्या उन्होंने जगह खरवाना खा के रायु को सुला के मैं आई यहाँ पे, लाइट वगैरह सेट कर रही थी, कपड़ा वपड़ा निकाली दिवाली का शूट के लिए, और रायु के लिए शाकिब मुझे बुला रही आओ रही आओ, देखे जाके उसको इतना सारा मच्छर काट लिया। मतलब अभी विंटर आ रहा है ना, अभी मच्छर का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मतलब हर टाइम विंडो बंद करके रखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मच्छर आ गया। और हम लोगों के ये पीछे ना बहुत सारे गाच वगैरह है, इसीलिए वहां से ज्यादा आते हैं। और बरसात में कैसा टाइप का सब होता है ना, प्लांट्स वगैरह जो कुटकुटे गाच होता है, तो वहां से मच्छर आते हैं। अब क्या करें, अब बहुत पहले विंडो बंद कर दिए थे तब भी देखा मच्छर उसको हाथ में बहुत काटे, और उसको ही काटता है, हम लोगों को नहीं काटता, काट के हाथ फुला दिया तो वो उठ गई, तो अभी वो बैठ के खेल रही है। तो मैं जब सेटअप लगाई तो आज तो मैं वीडियो शूट करूंगी, क्योंकि नहीं तो कल दोस्तों के साथ घूमने जानी है, और कल तो बोल रहे कि साइक्लोन आएगा, पता नहीं क्या होगा, तो कल टाइम नहीं होगा, तो आज करेंगे। फिर परसों है शूट, तो इसीलिए आज ये वाला जो आज करना था वो आज मुझे कंप्लीट करना ही होगा, तो मैं मेकअप वगैरह करते आप लोगों से मिलती हूँ। मेकअप लुक जो है हो गया है आधे घंटे के अंदर, नहीं आधा घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया गेट रेडी विद मी करने में, तो हो गया, मैं हो गई बिल्कुल रेडी। और ये लुक भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये ड्रेस काफ़ी सुंदर है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ड्रेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पर ये चांदेरी मटेरियल का है, बहुत जन को चांदेरी पसंद नहीं है, नॉर्मल सिल्क खोजते हो कि माँ मैं भालो लग जे सुंदर लग जे है खूब सुंदर। अच्छा मैं कार मतो लग जे, एक बार देख के दाओ तो डांस करे देख के दाओ कार मतो लग जे। वो बोल रही है मुझे तमन्ना भाटिया जैसी लग रही, ऊपर कैसे वो डांस करके समझा देगी। मैं और देख के कह रहा हूँ आज की मजा उसने का, देखो पीछे मारती है ना तमन्ना, इसीलिए लायू जाओ तुम्हें बोनी पास जाओ। मेरा मेकअप होगा तो ये सारे मेकअप निकाल के खेलने लगेगी की माँ की एगलो एगलो नहीं की कोड़े हो तो जाचो। ये देखो मेरी ब्लॉग में कौन आई है, बहुत बड़ी मेहमान जो आना ही नहीं चाहती है। पापा अच्छा गाना सुनिए दाओ दादा को, पापा मम्मा के नहीं जा। आजकल रोज साकिब शाम होता है यही चौप बेगुनी लेके आता है। नहीं रोज कभी नहीं, कल खाया नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारे कल कब खाया, पागल हो क्या, तुम्हारी मम्मी आती तो वो खाती है, बस बस वो तीन खाएगी तो हमें खाएंगे है वो तीन चौप का। ये माँ तुम्हें जाके माँ तीन टेकोड़े चौप खाओ है, नहीं है एकटाई जब इतने कदा कहना बोलो बोलो। अभी मेरा वेट कम हुआ है ना, ये चाहता है कि थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा स्नैक्स चखने से कुछ नहीं है। मैं तो रोज ही चखती हूँ, मेरा आज अभी खाएंगे फिर कल दोस्तों के साथ जाके खाएंगे। ठीक है प्यार से खाने से वेट नहीं बढ़ता, प्यार से ज्यादा बढ़ता है, हम नफरत से खाते हैं। तो देखते हैं मेरा चाय बना कि नहीं, मेरी माँ बोलती है तुम्हारे घर में चाय पीने से एक घंटा वेट करना पड़ता है। देखो कौन आई है, सोनू একটু হাই করো, বলছে এত চাউমিন আমি খাবো না, চাউমিনটা কি ভালো খেতে, আর একবার হিলটা দেখিয়ে দে সবাইকে, কি জুতো কিনেছিস দুর্গাপুজোয়, উসকা দুর্গাপূজা কা হিল দেখো বাস জুতা মে আবি সে ফ্যাশন, বাপ রে বাপ খুব সুন্দর হয়েছে, হাতটা ধুয়ে খাবি কিন্তু বুঝলি, যা চলে যা। इतनी रात गए पौने एक बजे, शाकिब यहाँ पे कर रहा है मेरा कपड़ा इस्त्री आयरन, एक्चुअली कल दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी बोला ना, तो ये वाला कपड़ा निकाले बहुत पुराना। बोलो शाकिब कितना साल हो गया, बहुत साल हो गया उस घर में रहते थे, साल तो हो गया पर वो लिया एक दो वाली पहनी है हाँ, तो इसीलिए सोचे कल ये वाला पहन दे, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से मुझे लग रहा है ये अच्छा जाएगा फोटोज के लिए, इसीलिए मैंने ये निकाला। और मुझे ना इतनी ज़्यादा नींद लग रही है, मैं क्या बोलूँ, एकदम मैं सर पकड़ रहा, मेरा ना मुझे लग रहा है मेरा आँख का पावर बढ़ गया फिर से, पता नहीं दिन भर इसका ही काम है ना, तो इससे ही हो रहा है प्रॉब्लम।
और अभी ना रायू बिल्कुल सो गई थी उसको, एक्चुअली सोनू जाने के बाद वो लोग बहुत देर से गए तो रायू को खिलाने जब बैठी ना रायू सो गई बिल्कुल, और उसी टाइम शाकिबा के बोला नहीं उसका खांसी का दवाई चल रहा है तो वो दे देते हैं, वो देते ही वो फटाक से उठ गई, मतलब उसको पूरा नींद का बाड़ा बज गया, अभी 1:15 बजे बिल्कुल जागी है, उस फुल एनर्जी लेके अभी घूम रही है, उसका नींद टूट गया बीच में, उसका लाभ क्या हुआ बीच में उसको दालिया और खाना नहीं पड़ा क्योंकि वो सो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, जबरदस्ती नहीं किया, क्या बोले। और तो चलो मैं फ्रेश व्रेश हो जाती हूँ, कल जल्दी उठना भी है क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी होके सारा 12:30 बजे के अंदर वहाँ पहुँचना है, तो कल मिलते हैं सुबह उठ के। मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, मेरा तब थोड़ी सी खराब है, पता नहीं रात में खांसी खांसी लग रही थी, नाक जाम हो रहा था, इतना वेदर खराब है, इतना वेदर खराब है, पूरा बारिश हो रही है, और आज ही हम लोगों का घूमने जाने का प्लान है, और मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया, मैं सोची थी सुबह उठ के कर लूँगी, पर वेदर देख के और करने का मन नहीं कर रहा है, हेयर पूरा चिप चिप कर रहा है, वो भी टेंशन की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ हेयर लेके, हेयर वॉश करूँ कि ना करूँ, वेदर इतना ख़राब लग रहा है ना। पर अच्छा है कि मेरा ब्लाउज़ जो है ना फुल स्लीव है, तो अभी मैं उठ के चाय वाय पी के, अभी 10 बज गया, अभी मैं सोची कि एक बार फ्रेश व्रेश हो के रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, और रायु का खाना भी बनाऊँगी, तो चलो सब करके आप लोगों से मिला। देखो जोर जोर से हवा चल रही है और हम लोग का आज ही बना है प्लान, देखो मौसमी तो निकल भी गई है यार घर से, अभी शैम्पू में करके आ गई, और हम लोग तो थोड़े सामने ही रहते हैं, हम लोग चाहे तो अभी भी प्लान कैंसिल कर सकते हैं, पर मौसमी बोनगा से आती है तो उसको बहुत पहले बुकिंग, मतलब वो पहले से कार बुक करके रखती है, मतलब अभी वो निकल भी चुकी है तो प्लान कैंसिल हम लोग कर भी नहीं सकते, इस वेदर में ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ना कल वेदर ख़राब नहीं थी, ठीक ठाक ही थी, तो हम लोग सोचे आज भी वैसा ही रहेगा, पर देखिए आज सुबह से एकदम वेदर बिगड़ गया, क्या करें, तो चलो हेयर को ड्राई कर ले रहे तो ठंडा लग जाएगा। मैं निकल गई जल्दी जल्दी, मैं हम लोगों को मौसमी के लिए गिफ्ट ली थी वो भी दिखाना भूल गई, एक्चुअली वर्षा जा रही है कैरी रोड के ऊपर से, तो मैं उसके साथ निकल रही हूँ, फिर कैब मुझे मिलेगी कि नहीं, और वो इसी रास्ता से जा रहे हैं तो मैं सोची उसके साथ ही चली जाऊँ, तो वो रुकी हुई है इसलिए मैं आप लोगों को लुक भी नहीं दिखा पाई, तो चलो वहाँ ही जाके मिलेंगे, वहाँ ही जाके दिखाते हैं क्या ही करें, जल्दबाजी में समझ रहे हो बारिश की मौसम है, साड़ी वाड़ी पहन के चीत करते करते मैं भूल ही गई मिलवाना वर्षा से, तो उसके साथ ही मेरा आज का ये बातचीत, मतलब इतना देर मैं उसके साथ बकर बकर करते करते मैं तो भूल ही गई थी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं सोची एक बार चलो आप लोगों से भी एक बार मिल लेती हूँ और उसको दिला देती हूँ, फिर वहाँ जाके दिखाएंगे क्योंकि हम लोग भी नए जा रहे हैं पर बहुत सुंदर है। सो यार हम लोग पहुँच गए और देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना लोकेशन, अब चलो दोस्तों से मिलते हैं। बस होलो तो हमरा कि सुंदर शाड़ी পরলাম তুই পরলি না সুন্দর তো তুই লাগজি কিন্তু তুই শাড়িটা কেন পরলি না এবার মনটা খারাপ লাগে বন্ধুরা পরে নিয়েছে হ্যাঁ গেলো তুমি গেলো হ্যাঁ গেলো आगे मेरी महारानी हैप्पी बर्थडे बोल दो, उसका कल बर्थडे था इसीलिए आज मीटअप ज्यादा। আর ড্রেসটা আমার মনে হচ্ছে একটু লং হবে জানিস। ভাল লাগছে না? থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। নায়িকা আসছে, হিরোইন। ইউ লুক লাইক আ নায়িকা। নায়িকা নায়িকা। ও মাই গড। এই যে লাস্টে এসেছে এই দুটো, কোথায় ছিলিস? লাথি দিচ্ছে বলছে লাথে খেতে হবে না কি জাতা হে, আরে অত খাবার আগে খেতে পারবি তো? ও আমার এটা খেয়ে নিয়েছে অলরেডি। একটা
আলু আর্জুন ঘেটে দিয়েছে মানুষকে, দিমাগ খারাপ হবে, সমাজ নেই পাইয়ে কি কিয়া হলো পয়সা দিয়ে কেউ গরম জল খায়? একটু দুধ দিয়ে খা, একটু দুধ ফুধ খাবে কোথায়? অর্ডার কিয়া হ্যা ম্যাক্রোনি ফিশ, ইয়াহ পে ফিশ ফিঙ্গার, ইয়ে ক্যা হ্যায়, আপনি ক্যা নাম হ্যায়? ডিলিশিয়াস আর ইসকা বার্গার আর ভি আয়েগা, ক্যা করেগা বলো, কোই নেই খায়েগা। ঋতিকা তোর পেজের নামটা বল, যাও যাকে শপ করো, মুঝে ইতনা সুন্দর মিলা কিসকো ক্যা মিলা দিখাও দিখাও, এই তোর দেখা আফরিন ওর নজর শর্মিলিটা কোথায়? ও তুমি শুধু বার্থডে গার্ল বলে ওরটা বেশি হেভি দিয়ে দিচ্ছি না রে, আমার কারেক্টারই ঠিক আছে, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ। দো আইফোন লেগে চল রহা হ্যায় কি ইয়ে 16 প্রো ম্যাক্স হ্যায়, ইয়ে 14 প্রো ম্যাক্স হ্যায়, মেন কোন সা লু তো উসকা হি আবি কেস চল রহা হ্যায়, এইটা বেটার লাগছে, দেখ এইটা বেটার লাগছে, এটা ওটা তো 16 প্রো ম্যাক্স ভাই। দে ডিয়ার মৌসুমি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, কেকটা চল খাও, বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার মৌসুমি, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে, बातचीत करते करते कब शाम हो गई सोचो, कब आए थे, अभी जाने का टाइम है, पर अभी थोड़ा सा अड्डा मारने के बाद इतना जल्दी नहीं जाएंगे, पर सब तोलपी तलवा लेके निकल गए, पर जाएंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग वहाँ से निकल गए और अभी भी वर्षा मुझे छोड़ के फिर घर जाएगी, उसका और भूख भी लग गई हम लोगों को यार, कुछ नहीं खाई वो, मतलब ऑर्डर की थी दो डिश पर कुछ नहीं खाई, घटिया, हम लोगों को चाहिए था भात दाल और सच में राइस ही ठीक लगता है, ये ठीक नहीं था हमारे लिए। यार कैफे में आके बहुत गलती हो गई, इतना पैसा गया पर खाना कुछ नहीं खाया हमने। राय को सभी के हाई कार्डू टाटा ना हाई बालू, ये वाला बैग आज मौसम मेरे लिए लेके आई, एक्चुअली मैं घूमने जाऊंगी ना तो उसके लिए ये बैग चाहिए था मुझे, और आप लोग गेस कर सकते हो कि बैग देख के कि कहाँ घूमने जा रहे हैं कि ऐसे टाइप का बैग मैंने मंगवाया, तो वो लेके आई मैं, वो बोली कि नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वाला ले लो, क्योंकि ऐसा बैग ना ऑनलाइन देख रहे थे 1500-1800 के ऊपर था, तो इसीलिए उसका ये ले लिया, और ये तो आप लोगों को दिखाया कि रितिका का खुद पेज खोलिए, वो तो उसने ये इयररिंग दिया। तो गाइस चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और पता है वो जो तूफान आने साइक्लोन आने वाला था, पता नहीं अभी तक तो नहीं आया, हम लोग जितना देर घूमे बारिश वगैरह नहीं हुआ, माँ भी घर चली गई, माँ आई थी तो बारिश अभी तक तो नहीं हुआ, होप करते हैं कि रात में भी ना हो, एक्चुअली बोला था रात में ही होगा, सुबह से हल्का हल्का हो रही थी, पर हम लोग जब तक घूमने गए थे नहीं हुआ,
तो आप लोगों को मेरा फोटोज देखना है, बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर आई है, तो इंस्टाग्राम पे जरूर देखना, मुझे फॉलो कर लेना, माइसेल्फ रिया नाम से ही है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।